हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम साइंस पेडागॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये पीडीएफ आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे करना है ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। सबसे पहले हम क्वेश्चन पे फोकस करते हैं कि क्वेश्चन क्या दिए हुए हैं। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी जोड़ी ऐसी है जो द्विआधारी विखंडन द्वारा प्रजनन करते हैं, ये आपको बताना है। तो इससे पहले हम समझ लेते हैं कि बाइनरी फिजन क्या होता है और आपका मल्टीपल फिजन क्या होता है। तो यहाँ आप फिगर देख ही रहे होंगे, एक तरफ आपका बाइनरी दिया हुआ है, एक तरफ मल्टीपल दिया हुआ है। बाइनरी मतलब क्या होता है कि आप मतलब कोई एक जीव था, एक एनिमल था या कोई एक ऑर्गेनिज्म था, वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, यानी एक से दो बनना, ये तो बाइनरी हो गया। मल्टीपल मतलब एक से कई सारे बन जाते हैं, तो वहां मल्टीपल फिजन आ जाता है। बाइनरी की अगर बात करें तो अमीबा में भी बाइनरी होता है और पैरामीशियम में भी बाइनरी फिजन होता है। पैरामीशियम आपका चप्पल के आकार की संरचना जैसा दिखाई देने वाला एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। तो यहाँ अमीबा और पैरामीशियम सही हो जाएगा, ये दोनों जोड़े सही हैं। तो देखते किस में दिया गया है, तो यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन में दिया गया है, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है या इनमें से ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जिसका एकमात्र उद्देश्य रिकॉल नहीं है, यानी जिसका एकमात्र उद्देश्य याद करना नहीं है, इसके अलावा भी कई सारे ऑब्जेक्टिव है। तो हम पढ़ते हैं वन बाय वन कौन कौन से स्टेटमेंट है। पहला है ओम का नियम। तो ओम का नियम तो मेमोरी बेस्ड है, यानी आप अगर पूछा जाए तो आप रिकॉल ही तो करेंगे, ये तो नहीं होगा। दूसरा कह रहा है धारा की इकाई को याद कीजिए, ये भी सिर्फ और सिर्फ याद करने पर फोकस कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। फिर तीसरा कह रहा है कि वोल्टेज में परिवर्तन के कारण धारा में परिवर्तन की भविष्यवाणी करें, यानी आपको प्रेडिक्शन करना है कि अगर करंट अगर वोल्टेज में चेंज कर दिया जाए तो करंट में क्या चेंजेस आएंगे। तो जब भी हम प्रेडिक्शन करते हैं तो सिर्फ हम एक ऑब्जेक्टिव पे फोकस नहीं करते, यानी किसी एक एस्पेक्ट पे फोकस नहीं करेंगे, हम मेमोरी तो लगाएंगे ही लगाएंगे, यानी जो हमने पहले प्रीवियस नॉलेज अटेन किया है उसको भी हम यूज करेंगे, साथ ही साथ हम अपनी डाइवर्जेंट थिंकिंग का भी इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि इसका एकमात्र उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ याद करना नहीं है, बच्चे की डाइवर्जेंट थिंकिंग को भी आप चेक कर रहे हैं, यहाँ थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ देखिए उल्लंघन दिया गया है, तो आपको ये देखना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा है। वन बाय वन पढ़ते हैं। पहला कह रहा है कि आप परमाणु की संरचना पढ़ाने से पहले बच्चों को डिफरेंट टाइप्स के जो वस्तुएं हैं वो आप दिखा रहे हैं कि बच्चों ये देखिए ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है, उसके बाद आप परमाणु की संरचना बता रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट जा रहे हैं, यानी ये तो नहीं होगा क्योंकि इसमें नहीं पूछ रहा है। फिर कह रहे हैं कि रासायनिक यानी केमिकल चेंजेस आप पढ़ाने जा रहे हैं, उससे पहले आप बच्चों को केमिकल रिएक्शन दिखा रहे हैं, यानी कि जो ऐसी एक्टिविटीज बच्चों को दिखा रहे हैं, ऑब्जर्व करा रहे हैं जिनमें केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, उसके बाद आप जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ा रहे हैं, तो ये भी कॉन्क्रीट अब्स्ट्रैक्ट को फॉलो कर रहा है, यानी सेकेंड भी नहीं होगा इस क्वेश्चन के बिहाफ पे। अगर थर्ड की बात करें तो थर्ड कह रहा है कि आप न्यूट्रिशन पढ़ाने से पहले बच्चों को डिफरेंट टाइप्स के फूड्स को दिखा रहे हैं कि बच्चों ये भी फूड होता है, यानी इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है कि नहीं होता है, आपने डिफरेंट टाइप्स के फूड्स को बच्चों को पहले दिखाया, ऑब्जर्व कराया, उसके बाद आप बता रहे हैं कि न्यूट्रिशन क्या है, यानी इसमें भी कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट आप जा रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। बचा क्या, फोर्थ ऑप्शन, यानी इस क्वेश्चन के बिहाफ पे आपका फोर्थ सही हो जाएगा। फोर्थ कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट को फॉलो नहीं कर रहा है, ये अब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट फॉलो कर रहा है, यानी आपने पहले प्रिंसिपल पढ़ा दिया, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, उसके बाद आप उसके एग्जाम्पल्स पढ़ा रहे हैं या उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स को बच्चों को दिखा रहे हैं, तो यहाँ फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ नहीं पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो आपका साइंटिफिक लिटरेसी का कंपोनेंट नहीं माना जाएगा, यानी निगेटिव पूछ रहा है। निगेटिव वाले क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इनमें बहुत सारे चांसेस होते हैं गलती के, क्योंकि हम जल्दी जल्दी में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव देख लेते हैं, निगेटिव नहीं देख पाते हैं और ये हमारे नंबर्स को कट कर देता है। तो यहाँ आपसे निगेटिव पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो साइंटिफिक लिटरेसी का कॉम्पोनेंट नहीं है। पहला देखते हैं, पहला है सोशियो साइंटिफिक इशूज। तो सोशियो साइंटिफिक इशूज तो हमेशा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो ये तो आपका इस क्वेश्चन के बिहाफ पे स्टेटमेंट सही नहीं है। दूसरा कह रहा है वैज्ञानिक रुचि, यानी कि साइंटिफिक इंटरेस्ट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ये भी नहीं होगा। निगेटिव ये क्या है, पॉजिटिव है, ये आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है। फिर कह रहा है कारण प्रभाव संबंधों की पहचान करने की क्षमता,
ये भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा अगर हम साइंस के एस्पेक्ट में देखें तो। फिर फोर्थ कह रहा है कि शिक्षा के उन्नत स्तर पर विज्ञान को एक अनुशासन के रूप में आगे बढ़ाने की क्षमता, यानी जब भी साइंस पढ़ाई जाएगी उसका ये उद्देश्य नहीं होगा कि बच्चे को एडवांस लेवल के लिए हमें तैयार करना है या एडवांस लेवल ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। तो ये क्या है, निगेटिव है, हमसे पूछ क्या रहा है, निगेटिव पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन के बिहा पे हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो गेंदे हैं धातु की बनी हुई ए और बी, जिनकी त्रिज्याओं का अनुपात जो है वो 3:1 है और उनका घनत्व का जो रेशियो है वो 1:3 है। तो आपसे पूछ रहा है कि ए और बी के द्रव्यमान यानी मास का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है और आपको बताना है कि राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, 9:1। कैसे आया वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये मेंशन कर लेना है कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। तो क्या क्या दिया हुआ है, रेडियस का रेशियो दिया हुआ है और डेंसिटी का रेशियो दिया गया है। कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे हम, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम। मास हमें निकालना है, डेंसिटी हमको पता है, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, हम बात कर रहे हैं स्पेयर की, और स्पेयर का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है वी इक्वल टू 4/3 πr³। इससे हम ए बॉल के लिए भी वॉल्यूम निकाल लेंगे, बी बॉल के लिए भी वॉल्यूम निकाल लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को v1 और v2 मान लेंगे और मास को भी हम a1 एंड m2 मान लेंगे, डेंसिटी को d1 एंड d2 मान लेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया गया है कि जो डेंसिटी का रेशियो है वो 1/3 है और डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, m1 v2 अपॉन में m2 अपॉन में v1। ये इक्वेशन कैसे आई हूँ मैं आपको बता देती हूँ। d1 यहाँ से हमने निकाला m1 अपॉन में v1 और d2 हमने निकाला m2 अपॉन में v2। d1 अपॉन d2 में ये जब हम वैल्यूज निकालेंगे तो ये इक्वेशन आपके सामने बनकर आ जाएगी। इन दोनों इक्वेशन को हम इक्वल कर देंगे तो ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा और v2 और v1 की हम वैल्यू रख देंगे यहाँ से, और हमारा सिंपल सा मास यानी कि जो भी बॉल का मास है यानी द्रव्यमान है उसका रेशियो निकल आएगा और आंसर हो जाएगा 9:1। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी स्टेप में आपको कोई दिक्कत हो रही है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ओपन एंडेड क्वेश्चन कौन से होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस जिनके कई सारे आंसर होते हैं। यानी कि अगर मैं आपसे कह दूं कि ऐसे दो नंबर्स बताइए जिनका जो एडिशन होता है वो 8 होता है, तो कई सारे नंबर्स निकल के आ जाएंगे, इसका कोई एक आंसर निकल के नहीं आएगा। तो वही आपसे पूछे कि इनमें से कौन सा ओपन एंडेड है। पहला कह रहा है कि आपको लगता है कि नीम के पेड़ की जड़ खाने योग्य होती है, तो इसके दो ही आंसर निकल के आएंगे, या तो यस या तो नो, इसके अलावा कोई आंसर नहीं आएगा। तो ये क्या है, एक क्लोज्ड एंडेड है, यानी कि ये क्लोज्ड एंडेड हो जाएगा। सेकंड कह रहा है कि अंकुरित बीज की विशेषताएं बताएं, यानी जो भी बच्चे को हमने विशेषताएं बताई हैं वही विशेषता वो बताएगा, ये भी क्या होगा, क्लोज्ड एंडेड हो जाएगा। थर्ड कह रहा है एक जीव का नाम बताइए जो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों है। किसी बच्चे से आपने क्वेश्चन पूछा तो उसका तो वो एक ही आंसर बताएगा ना, क्योंकि आपने पूछा क्या है, एक जीव का नाम बताना है जो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों है, तो कोई एक जीव का वो नाम बता देगा। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये क्लोज्ड एंडेड। बचा क्या, फोर्थ ऑप्शन, यानी फोर्थ ऑप्शन क्या होगा, ओपन एंडेड। फिर भी हम रीड कर लेते हैं। इसमें कह रहा है कि दिए गए खाद्य पदार्थों में से कौन सा जानवरों से प्राप्त होता है, यानी कई सारे खाद्य पदार्थ दिए गए हैं और बच्चे को उसमें से बताना है कि कौन से जानवरों से प्राप्त होते हैं, तो कई सारे आंसर इसके निकल के आ जाएंगे, यानी कि फोर्थ ऑप्शन जो है वो आपका क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन कहलाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको रीड करना है और बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट कह रहे हैं कि जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, यानी जब केमिकल चेंजेस होते हैं आपके उन्हें आप रिवर्स नहीं कर सकते। अगर एक बार एक कंपोनेंट से दूसरा कंपोनेंट बन गया तो फिर से उस कंपोनेंट से आप पहला कंपोनेंट नहीं बना सकते। यानी अगर लकड़ी को आपने जला दिया तो आपके पास बचेगी राख, अब राख को पुनः आप लकड़ी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो ये क्या होगा, एक केमिकल चेंजेस। तो पहला स्टेटमेंट तो एकदम सही हो जाएगा, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि एक भौतिक परिवर्तन में स्थिति में हमेशा परिवर्तन होता है, यानी कि अगर कोई फिजिकल चेंज हो रहा है तो जो भी वस्तु है उसके स्टेट में हमेशा चेंज हो जाएगा, यानी उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। क्या ऐसा होता है, तो आइए जान लेते हैं फिगर्स के माध्यम से। यहाँ कई सारे फिजिकल चेंजेस दिए हुए हैं। अब आप ये बताइए, अगर कोई ग्लास टूटता है तो ग्लास टूटेगा तो ग्लास के टुकड़ों में ही टूटेगा, जो टुकड़े होंगे वो सॉलिड फॉर्म में होंगे, ऐसा तो है नहीं कि ग्लास टूटा उसके बाद वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गया, तो स्टेट में चेंजेस नहीं हो रहे हैं। अगर आप कोई लकड़ी को काट रहे हैं
तो जो लकड़ी का टुकड़ा आपने काटा है वो भी सॉलिड फॉर्म में है, जिस लकड़ी से आपने काटा है वो भी सॉलिड फॉर्म में है, यानी दोनों ही एक ही फॉर्म में है, एक ही स्टेट में है, स्टेट चेंज नहीं हुआ है। किसी पेपर को आप फोल्ड कर रहे हैं तो आप फिजिकल चेंज कर रहे हैं, लेकिन पेपर के फोल्ड होने से पेपर के स्टेट में तो नहीं परिवर्तन हो रहा है, यानी पहले भी वो सॉलिड था अब भी वो सॉलिड है, लिक्विड या गैस में परिवर्तन उसमें नहीं हुआ है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि फिजिकल चेंजेस में जो भी चेंजेस आते हैं वो सभी में स्टेट में परिवर्तन हो जाता है। यहाँ सेकेंड जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी फर्स्ट सही है सेकेंड गलत है, तो आपका पहला ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक अवतल दर्पण उत्तल दर्पण को एक ही गोलाकार कांच के गेंद से काटा जाता है, यानी कि एक गोलाकार गेंद थी जिसे काटकर उत्तल दर्पण भी बनाया जाता है, जिसे काटकर अवतल दर्पण भी बनाया जाता है। फिर कह रहा है लेकिन अवतल दर्पण का जो द्वारक है वो उत्तल दर्पण के द्वारक से अधिक होता है, तो उनकी फोकस दूरी में क्या परिवर्तन आएंगे, फोकस दूरी के बारे में हम क्या कह सकते हैं। यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ से जो आंसर निकल के आएगा वो ये आएगा कि दोनों की फोकस दूरी समान होगी, दोनों की फोकस दूरी में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि जो उत्तल और अवतल दर्पण है गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या के बराबर होते हैं, यानी वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर होते हैं, तो इसलिए दोनों की जो फोकस दूरी होगी वो समान होगी। यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ के इस क्वेश्चन का आंसर समझ सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि दोनों की फोकल लंबाई समान होगी, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान शिक्षण और सीखने में सामाजिक रचनात्मक मॉडल के साथ संरेखित नहीं है, यानी कि सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट मॉडल साइंस टीचिंग के लिए इसमें नहीं फॉलो कर रहा है, ये आपको बताना है। पहला कह रहा है कि छात्र वैज्ञानिक स्पष्टीकरण पर पहुंचने के लिए आधिकारिक स्रोतों और आपस में सहयोग करते हैं, यानी कि आप कंस्ट्रक्टिविज्म मॉडल बनाना चाहते हैं साइंस से रिलेटेड। अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ये फॉलो नहीं करेगा या आप नहीं बना सकते, ये आपसे पूछा गया है। तो पहले की बात करें तो इसमें कह रहा है कोलाबरेटिव लर्निंग की बात की जा रही है, तो साइंस में हम कोलाबरेटिव लर्निंग की बात करते हैं, यानी ये तो पॉजिटिव हो गया, हमसे क्या पूछ रहे हैं, निगेटिव, तो पहला तो होगा नहीं। दूसरा कह रहा है विज्ञान की व्याख्या उन घटनाओं के लिए प्रशंसनीय और स्पष्टीकरण के रूप में की जाती है जिन्हें तर्क के माध्यम से समझा जा सकता है, यानी कि जो भी हम घटनाओं के बारे में सीख रहे हैं, जो भी हम स्पष्टीकरण दे रहे हैं, अगर उनमें तर्क भी इन्वॉल्व है तो वो ज्यादा ऑथेंटिक माना जाएगा, बहुत ज्यादा वो इफेक्टिव होगा, यानी ये भी पॉजिटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा है, कह रहा है कि छात्र अपने व्यक्तिगत अनुभवों और एक घटना के अनुभवों को साझा करते हैं। साइंस में जो भी एक्टिविटीज होती हैं उनमें हम बच्चों का पार्टिसिपेशन ध्यान में रखते हैं कि बच्चे पार्टिसिपेट करें, उनके एक्सपीरियंसेस को हम बहुत ही ज्यादा फोकस करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो इसमें यही कह रहा है कि जो इम्पोर्टेंट वो पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट कह रहा है विज्ञान की व्याख्या तथ्यों कानूनों और सिद्धांतों के एक निकाय के रूप में की जाती है जिसे मुख्य रूप से व्यक्तिगत अनुभव के माध्यम से समझा जा सकता है, यानी कि जो भी प्रिंसिपल हैं, जो भी कॉन्सेप्ट हैं, जो भी रूल्स हैं, जो भी रेगुलेशन हैं साइंस में, उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंसेस के माध्यम से ही समझा जा सकता है। क्या ऐसा है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कि जो भी प्रिंसिपल दिए हुए हैं, जो भी रूल दिए हुए हैं, अगर जब तक वो पर्सनल एक्सपीरियंसेस नहीं इन्वॉल्व किया जाएगा उसमें, वो माने नहीं जाएंगे। यानी आपने देखा कि सेब ऊपर से नीचे गिरता है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, तो ऐसा तो करेंगे नहीं कि आप खुद भी छत से कूदेंगे, छत से कूदे नीचे आपके हाथ पैर टूट गए, अब आपको पर्सनल एक्सपीरियंस हो गया कि हाँ ऊपर से कूदते हैं, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लगता है, वो हमको नीचे खींचता है और हम नीचे गिरते हैं और हमें चोट लगती है, तो ऐसा आप नहीं करेंगे क्योंकि उससे आपको क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन के भी यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा कथन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बीच संबंधों का सबसे अच्छा वर्णन करता है, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बीच में ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो एक सही रिलेशन को डिनोट कर रहा है, क्लियर कर रहा है। पहला देखते हैं, पहला कह रहा है कि वैज्ञानिक सिद्धांतों की खोज पहले की जाती है और तकनीकी अनुप्रयोग बाद में होता है, क्या ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि पहले हमने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के डिस्कवरी कर ली उसके बाद ही हम टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन का इस्तेमाल करेंगे। कई 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 प्रिंसिपल्स ऐसे होते हैं, कई कई रिसर्च ऐसे होते हैं जिनमें हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं फिर उसके बाद हमें प्रिंसिपल मिलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो नहीं होगा। फिर
कह रहा है कि विज्ञान एक ओपन एंडेड एक्सप्लोरेशन है, टेक्नोलॉजी एक गोल ओरिएंटेड है। ये एकदम सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, जैसे कि कोई मान लीजिए कोई मिसाइल बनाई गई, जब भी मिसाइल कोई बनाई जाएगी तो वो टेक्नोलॉजी के अंडर में आएगी। उस पर ये फोकस किया जाएगा कि जो मिसाइल बनाई गई है उसको बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर उसको यूज कर रहे हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो टेक्नोलॉजी तो एक ऑब्जेक्टिव बेस्ड हो जाएगी, लेकिन जो साइंस है उसका कोई एक ऑथेंटिक एम नहीं है। जब भी साइंस में डिस्कवरी की जाएगी, जब भी साइंस के रूल्स फॉर्म किए जाएंगे, जब भी साइंस के प्रिंसिपल फॉर्म किए जाएंगे, तो किसी एक एस्पेक्ट पे, किसी एक ऑब्जेक्टिव पे, किसी एक एम पे फोकस नहीं करेगा। उसके कई सारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, उसके कई सारे एम हो सकते हैं, उसके कई सारे अप्रोच हो सकते हैं। यानी साइंस एक ओपन एंडेड एक्सप्लोरेशन है, और टेक्नोलॉजी की बात करें तो वो एक गोल ओरिएंटेड है। तो यहाँ सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के बिहाफ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, बट इतने ही क्वेश्चन थे, यानी टॉप 10 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, क्लियर नहीं हुआ है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगी कि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप जैसे ही टेलीग्राम चैनल लिंक से मतलब कि अगर आप ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो वहां से आपको ये पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी। आप पीडीएफ को डाउनलोड करके अच्छे से रीड कर सकते हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सभी प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।